अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे एनजीटी 211 की जीडीपी को। तो इसमें आपका क्या फर्स्ट पे दिया हुआ, उन्होंने टोटल मार्क्स आपको दिए हुए हैं, स्टार्टिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है, स्टेटस है, क्वेश्चन टाइटल आपका क्या है, प्राइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। तो ये कौन सा टॉपिक आपका बन रहा है, ये आपका एनजीटी का 29 लेक्चर बन रहा है, उसमें से आपको ये जीडीपी जो है दी गई है। तो देखते हैं क्या है टॉपिक टू बी टेस्टेड, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू अंडरस्टैंडिंग द प्राइस स्ट्रेटजीज एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि आप प्राइस स्ट्रेटजीज को समझें और उनके ऑब्जेक्टिव को समझें। उसके बाद क्वेश्चन क्या, असेसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट आफ्टर सीरीज ऑफ कैलकुलेशन रिसर्च एंड रिस्क टेकिंग इज कॉल्ड प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कंसिडर इनपुट कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट कंडीशंस, कंपटीटर्स प्लान्स एंड कस्टमर्स एबिलिटी टू पे एटसेट्रा। वो क्या कह रहा है कि जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो क्या करते हैं, उसका सब जो बजट है उसको आप एस्टिमेट करते हैं, यानी उसकी प्राइस स्ट्रेटजीज, उस पर जो कॉस्ट है, मार्जिन अपना रखते हैं, प्रॉफिट का, मार्केट की कंडीशन, कस्टमर क्या पे कर सकते हैं आपको, उन सब चीज़ों को, उन सब जो पॉइंट्स हैं उनको आप अपने नज़र में रखें, फिर आप एक जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को आप डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द नेम ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूजिंग इन ईच सिचुएशन। ठीक है, ये आपको 4 सिचुएशन दी गई हैं टेबल पे, और उसमें आपको शो करवाया गया है कि आपने इनको पढ़ना है और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट पे कौन सी प्राइस स्ट्रेटजीज अप्लाई हो रही है। ठीक है, कि किस स्टेटमेंट पे क्या प्राइस स्ट्रेटजी आपकी अप्लाई हो रही है। तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले क्या है, अ कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट एंड वांट्स टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर बाय ऑफरिंग अ लो प्राइस ड्यूरिंग इनिशियल ऑफरिंग। ठीक है, कि कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट को स्टार्ट करती है, लॉन्च करती है, उसको क्या करती है और चाहती है कि उसकी जो मार्केट अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो, उसके लिए वो लो प्राइस क्या करती है, फर्स्ट स्टेज पे उसकी ऑफर करती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पेनिट्रेटिंग प्राइस स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर आपने लेक्चर सुना होगा लेसन को ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा कि पेनिट्रेटिंग प्राइस किस सिचुएशन में होती है। उसके बाद क्या है, आप मोनोपोलिस्ट वांट टू गैदर एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हेन देयर इज हाई कस्टमर डिमांड एंड देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट। ठीक है, मोनोपोलिस्ट क्या होता है, अजारादार, जिसकी अजारादारी हो मार्केट में, उसको कोई गर्ज नहीं है कि मार्केट में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे वो टॉप पे होता है, उसको अपना रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। उसका एक ये भी बेनिफिट वो इस बात का भी लेता है कि कस्टमर का उस पर एक बिलीव होता है, एक उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है ट्रस्ट का, तो वो क्या करता है उस पर अपनी अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो रेवेन्यू है, उसको हाई करता रहता है। उस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, स्कीमिंग प्राइस। उसके बाद थर्ड क्या, द सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट बदर हिज ऑन लोकेलिटी अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ द कस्टमर एंड द कम्युनिटी ऑफ द कस्टमर। ठीक है, कि जो सेलर है जब वो प्रोडक्ट को लाता है तो वो इस बात से उसको कोई कंसर्न नहीं होता कि कस्टमर को वो चीज़ उसकी पहुंच में है या नहीं, या कौन सी कम्युनिटी है, उसने बस अपनी चीज़ लानी है, उसको टैग करना है, प्राइस देनी है और चलो बस। तो उसको क्या कहते हैं, फिक्स प्राइस। ठीक है, कि उसका मार्केट से कोई कंसर्न नहीं, उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, अपना एक प्लान है। उसके बाद फोर क्या, द सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट कंसिडर हिज ओन लोकेलिटी अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ द कस्टमर एंड कम्युनिटी ऑफ द कस्टमर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेलर जब प्रोडक्ट को मार्केट में लाता है तो वो कंसिडर करता है कि मैंने अपनी चीज़ को बेचना है और उसको एक मार्केट में स्टेबल करना है, तो वो क्या करता है, वो कस्टमर को भी देखता है, उसकी अबिलिटी को भी देखता है, कम्युनिटी को भी देखता है कि मैंने किस कम्युनिटी में चीज़ भेजी है और उस उधर कस्टमर की अवेलेबिलिटी कितनी है, वो इस काबिल है कि वो मेरी चीज़ को खरीद सकता है या नहीं, तो उसके मुताबिक वो क्या करता है, प्राइस में चेंजिंग लाता है। ठीक है, प्राइस अप करता है, हाई करता है, लो करता है, या फिर उसको मिडल में लाता है कि मतलब थोड़ा सा फ़ायदा उसका भी हो जाए और कस्टमर की रेंज में भी हो, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, डायनामिक प्राइस। ठीक है, तो आप लेक्चर को 29 को भी गौर से सुने, उसके अकॉर्डिंग आप भी इसको पढ़ें और वेरी करें, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक ना हो गई हो, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको कंफर्म किया है। उम्मीद है कि ये जो सोल्यूशन है आपका सही ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक नज़र आए या आपको कोई प्लान, इसमें स्ट्रेटेजी आपको कोई चेंज लगे तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, और जितने भी सोल्यूशन है उनको आप फाइनल ना कंसिडर किया करें, खुद भी रिसर्च किया करें, खुद भी उस पर अपना व्यू भी दिया करें। ठीक है, ये आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप जो भी लेक्चर पढ़ें उनको फिर सिस्टमेटिकली उनको आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, प्रैक्टिकली, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने अपनी ब्लॉग पे, जो मैंने क्रिएट किया अपनी वेबसाइट, उस पे भी डाला हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको वहाँ से फॉलो करें, उसमें आपको और भी बहुत से सोल्यूशन और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सोल्यूशन को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।